क्या कुछ सराइकी में बोल लेते हैं, बिकॉज़ मैं सराइकी मुझे इस वक्त मुझे बस एक ही डायलॉग अपना याद है कि सारे घर धियां ही धियां थी इंडियन। अच्छा, सारे घर धियां ही धियां थी, बेटियां ही बेटियां होती हैं, क्यों ऐसा क्यों? ये जो ड्रामा आपने किया जीटी रोड, जिससे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, वो एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करें। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी पर्सनैलिटी बड़ी डाउन थी और साइकोलॉजिकली मैं डिप्रेस्ड थी उस वक्त। लेकिन जब मैंने ये प्ले किया ना, तो जब मैं आधे में पहुंची हूँ, तो मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुल गई, मेरे एक्सप्रेशंस लाउड हो गए। टर्किश लैंग्वेज भी आप बोल लेती हैं? जी, मैंने तो कुछ बोलो ना टर्किश लैंग्वेज में। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत करवाती हूँ। ठीक है। बैनम अदम मैमुना, मेरा नाम मैमुना है। बैन एक्ट्रेस एक्ट्रेस हूँ। बैन पाकिस्तान ले, मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या कुछ सराइकी में बोल लेते हैं, बिकॉज मैं सराइकी मुझे इस वक्त मुझे बस एक ही डायलॉग अपना याद है कि सारे घर धियां ही धियां थी इंडियन। अच्छा, सारे घर धियां ही धियां थी, बेटियां ही बेटियां होती हैं, क्यों ऐसा क्यों? धियां दे बारिश में आखसा के बहुत सोहनी शय हैं, ते अल्लाह ताला दी बहुत प्यारी मखलूक होनी है, अपने माँ प्यो का बहुत ख्याल रखेनियां, उन्होंने बहुत कदर करेनियां, पुत्र तो कोई किथे वधेन कोई किथे वधेन, तेरा आखिर तक तुहाडा संग निभेनियां ना, ते तुहाडे नाल रानियां हर मसले दे विच, ओ तुहाडियां धियां ही हैं, लिहाजा अपनी धियां दी कदर करो। एंटी बॉयज स्टेटमेंट दिया ना, हम इतने भी बुरे नहीं होते हैं। ये बात ठीक की उन्होंने, बेटियां जो होती हैं वो आखिर तक निभाती हैं, बेटे भी निभा जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमारे लिए भी मार जा रखे।